हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई जो अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनआईएस ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 20 का पार्ट 4। हम आज पढ़ने वाले हैं तो काफ़ी डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 को। लास्ट वीडियो हमने रोड ट्रांसपोर्ट को देख लिया था, पढ़ लिया था पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली। सरफेस जो उसमें रोड थे और अनसरफेस रोड थे, काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है इंडिया में, हमारी कंट्री में। ठीक है, तो क्योंकि अर्लियर ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आया करता था, मगर आज के समय पर जब से एयरलाइंस और जो मेटल रोड्स बढ़ने हैं, तो कहीं ना कहीं वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसने कहीं ना कहीं अपनी जो अट्रैक्टिवनेस है वो खो दी और लोग जो है बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने इंडिया में कहीं ना कहीं जो अट्रैक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं खो दी है। लोग जो है इसकी तरफ जो है ना कम अट्रैक्ट होते हैं, कम इसके पास खींचे चले जाते हैं। अभी इसका खिंचाव क्यों बंद हुआ है? देखिए, जब से नए नए ओरिजिन आए हैं ना, नई नई चीज़ें उभर कर आने लगी हैं, तो लोगों को वही पसंद आती हैं। जैसे आपने देखा होगा, लग्जरियस लाइफ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बट कहीं ना कहीं जो सुंदरता और कहीं ना कहीं जो शांति है, कहीं ना कहीं जो ट्रैंक्वैलिटी है और कहीं ना कहीं जो एक तरीके से मन की जो सारी के सारी धारणाएं हैं सब जाकर शांत हो जाते हैं ना, तो वो एक ही जगह होते हैं, हमारे विलेजेस, हमारी जो प्रिमिटिव लाइफ है, तो वही कहीं ना कहीं एक तरीके से सहूलियत भरी होती है। बट आज के समय में बहुत लग्जरियस लाइफ लोग जीना चाहते हैं, बट उनकी लाइफ में चैन तो नहीं है ना। देखिए, चैन तो बैग में भी होती है, ठीक है, मैं वो वाली चैन की बात कर रहा हूँ जो मतलब एक तरीके से सुख होना चाहिए, ठीक है, वो उनकी लाइफ में नहीं है। ठीक है, आज के समय में जो है ना, एक अगर किसी इंसान के पास पैसा है ना, तो उसके पास जो है ना फैमिली को देने के लिए समय नहीं है और खाने के लिए समय नहीं है। अगर कोई गरीब इंसान है, मिडिल क्लास का है, तो अच्छे से खा भी रहा है, पी भी रहा है, अपनी लाइफ जो है ना आसानी से जी कर जा रहा है। ठीक है, यही फंडा है लाइफ का। जितनी इसे कॉम्प्लिकेट बनाओगे उतना ही कॉम्प्लिकेट बनेगी, जितना इसे सिंप्लिसिटी से जीना चालू करोगे उतनी सिंपल वे में ये चलनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइफ के कुछ फंडे होते हैं, आप भी इन्हें अपनाना चालू कीजिए। देखिए, एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करेंगे किसी के भी, या फिर आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, ये आपकी ज़िंदगी है। ठीक है, अगर एक एग्ज़ाम जो है वो आपकी किस्मत कभी डिसाइड नहीं कर सकता, ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये भी, अगर अब नहीं तो कभी और सही, मगर क्लियर तो हो जाएंगे। बस अपने आप पर भरोसा रखिएगा कि मैं कर लूँगा, बस फिर सारी चीज़ें जो ना आप ही के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब आगे, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो देखिए, काफ़ी पुराना ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, लाइक बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया था, चाहे फिर हम अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें, या फिर मॉडर्न इंडिया की बात करें, या फिर मिडाइवल इंडिया की बात करें। ठीक है, तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। अब इंडिया जो है एक पेनिनसुलर कंट्री है, ठीक है, पेनिनसुलर यानी जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई होती है और एक तरफ से लैंड से। तो हमारा जो इंडियन पेनिनसुला है, तो वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, यानी कोस्ट लाइन जो है हमारे इंडिया की काफ़ी हद तक बहुत बड़ी है। ठीक है, ऐसे ही जो कोस्ट लाइन है, यही कहीं ना कहीं जो कोस्ट लाइन होती हैं, बड़ी बड़ी जो पोर्ट्स होती हैं, बंदरगाहें, ठीक है, उनको जन्म देती हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो है ना तकरीबन 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं। 12 मेजर पोर्ट जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको मैनेज करा जाता है, और जो 200 मेजर माइनर पोर्ट हैं उनमें जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज करा जाता है। इनमें से कुछ ऐसी पोर्ट्स भी हैं जहाँ पर मछुआरे अपनी जो जीवन निर्वाह के लिए फ़िशिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ऐसी पोर्ट्स भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ से जो है फेरी वगैरह चलती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं सारी के सारी। अब देखिए, पोर्ट्स कितना, मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि पोर्ट्स का जो ना काफ़ी सहूलियत हुआ करती थी पहले के समय में। अगर मैं बात करूँ कि प्री इंडिपेंडेंस एरा की, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होता, तो उस समय पर ब्रिटिशर्स जो है किसी भी चीज़ का आवागमन अगर करा करते थे, यानी बिजनेस का भी, तो वो कैसे करा करते थे? ऑब्वियसली जहाज़ों के माध्यम से, पानी से, ठीक है, ओशन ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था। तो हमारे यहाँ पर जितना भी सामान आता था, जितना भी जाता था, ट्रेड पूरी की पूरी जो फैसिलिटेट हुआ करती थी,
थे ना वो ब्रिटेन के थ्रू हुआ करती थी, ठीक है, ब्रिटेन के थ्रू हुआ करती थी। बट आज के समय देखा जाए ना तो आज हमारी जो है ना खुद की कंट्री है, लाइक हम सोवेरियन है, ठीक है, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है पोर्ट्स की वो काफ़ी एनहेंस हुई है आने जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके कुछ समय बाद, जब हमारे यहाँ पर जो लिबरलाइजेशन जो प्राइवेटाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, यानी हमारी जो इकोनॉमी थी वो खुल गई थी, उसके बाद से हमारी जो है ना कहीं पावर भी इंक्रीज़ हुई है। तो हम अगर देखते हैं कि 2001-2002 में अगर पोर्ट की जो संख्या थी यानी कैपेसिटी थी वो 343.95 मिलियन टन, ठीक है, मगर ये इंक्रीज़ होकर 1560.61 मिलियन टन हो गई। कब? 2020-2021 में। आप देख सकते हैं कि ह्यूज चंक जो है ना इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितनी प्रोग्रेस करी है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी जो वेस्टर्न पोर्ट है ना, यानी वेस्टर्न बोल सकते हैं हम, वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न जो एरिया है हमारा, वेस्टर्न कोस्ट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कोरमंडल और जो एक और कोस्ट आती है मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो कोस्ट है ना, यानी जो कोस्टल एरियाज हैं, सॉरी मालाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो कोस्ट आते हैं कोस्टल एरियाज, कोरमंडल होती है ईस्टर्न साइड की सहायता, ठीक है। अगर कहीं फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे एक बार जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा वाला सही है, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ काम तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हमारे पास काफ़ी सारी मेजर पोर्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं इंडिया में जितना भी सामान आता है और जितना भी जाता है, तो ये कहीं ना कहीं पोर्ट जो है ना यहीं से सारी चीज़ें होती हैं, बंदरगाहें बोलते हैं हम इन्हें, ठीक है। जैसे कि दीनदयाल पोर्ट जो है कांडला, ठीक है, जो गुजरात में पड़ती है, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुर्मूगांव, न्यू मैंगलोर, कोचिन, ये पोर्ट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और बस्ती हैं जो ईस्टर्न साइड में हमारी पोर्ट रहती हैं, जैसे कि टुटिकोरिन, एन्नोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, जिसे हम वाइजाग भी बोलते हैं, पैरादीप, और जो जॉइंट पोर्ट है कलकत्ता और हल्दिया, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कांडला है, ठीक है, ये वाली कांडला पोर्ट है, ठीक है, देख रहे हैं आप पोरबंदर, ये वाली पोर्ट है, ठीक है, और ये है मुंबई, ठीक है, ये है मुर्मूगांव, ये है मैंगलोर, ये कोची, ठीक है, ये है टुटिकोरिन, और यह है तमिलनाडु की नागपट्टनम, ठीक है, यह है चेन्नई, यह है विशाखापट्टनम, ठीक है, यह है पैरादीप, यह है हल्दिया और कोलकाता, ठीक है। ये बात, ये मैप जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और इसमें से कुछ जो है ना इंटरनेशनली भी यहाँ पर ट्रेड जो है फैसिलिटेट करी जाती है, जैसे कि मुंबई की अगर हम बात करें और यहाँ पर चेन्नई की बात करें। तो अगर एक तरीके से मैं कहूँ ना तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर सामान का आदान प्रदान होता है ना, ख़रीदा बेचा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पोर्ट्स ही उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। समुद्र के रास्तों से ही तो सारा चीज़ आती जाती है। अब वहीं पर जब यहाँ पर इन पोर्ट्स पर आ जाती ना चीज़ें, तब होता है यूज़ रेलगाड़ियों का और रोड्स का, ठीक है, ताकि उन सामानों को जो है जो अदर सिटीज़ मेजर सिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाया जा सके, ठीक है। ये बात आपको समझ में, जैसे कि आगरा, लखनऊ, दिल्ली तो इन बिटवीन पड़ती है ना, लैंडलॉक है, तो इसलिए यहाँ तक पहुँचने में तो रेल काम में आ सकती है, या फिर जो रेल हो सकती है, या फिर रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या फिर बात करें एयर ट्रांसपोर्ट की, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। अब जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दो भागों में डिवाइडेड है, यानी एक तो ओशनिक वाटरवेज, ठीक है, जिसे हम ओशन ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, और एक इनलैंड वाटरवे, ठीक है। ओशन तो आपको पता ही है कि ओशन के माध्यम से पूरी की पूरी ट्रेड को ऑपरेट करा जाता है, ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें इनलैंड वाटरवेज के, तो इनलैंड वाटरवे में जो अंदर का पानी होता है ना, किसी कंट्री में अंदर का पानी, रिवर जहाँ पर बहती है, कैनाल सिस्टम हो गया, चाहे फिर वो बैक वाटर हो गया, चाहे फिर वो रिवर हो गया, तो उनके माध्यम से छोटे छोटे, यानी कह सकते हैं कि छोटे छोटे एक वाटरवेज बने होते हैं, ठीक है, एक तरीके से वाटरवेज बने होते हैं जहाँ से जो है सामान का आवागमन होता है छोटे छोटे स्केल पर, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है, ठीक है। अब वहीं पर यहाँ पर एक एक्ट है, दैट इज़ द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। यहाँ पर 111 इनलैंड वाटरवेज हैं जिनको यहाँ पर नेशनल वाटरवेज के एक्ट के तहत यहाँ पर रख दिया गया इसके अंडर, ठीक है। वो क्यों? ताकि जो वाटरवेज है ना उसको प्रमोट करा जा सके, ठीक है। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो 20,275 किलोमीटर की जो वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज, इसकी लेंथ पड़ती है जो 24 स्टेट में फैली हुई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
आगे हम मेजर जो नेशनल वाटरवेज हैं उनके बारे में अगर बात करें तो अब देखिए पहला नेशनल वाटरवे यहाँ पर पड़ता है जो हल्दिया टू अलाहाबाद जाता है। अलाहाबाद कहाँ पर है? ये यहाँ पर, जिसे हम प्रयागराज भी बोलते हैं ठीक है आज के समय में। और हल्दिया ये यहाँ पर हो गया, कोलकाता हल्दिया जो जॉइंटेड पोर्ट्स हैं ठीक है। अब दूसरा हमारा ये है जो दुबरी टू सादिया जाता है, ये नेशनल वाटरवे टू है ठीक है, जो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सादिया और ये दुबरी ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, हाँ चलिए जूम करके दिखाता हूँ आपको एक मिनट। तो देखिए ये हमारा जो नेशनल वाटरवे सेकंड है, और ये हम ये तीसरे की तरफ चलते हैं, ये नीचे कोने में तीसरा है जो कोल्लम से कोट्टापुरम आता है ठीक है, जो 205 किलोमीटर तक का है ठीक है। अब यहाँ पर ये नेशनल वाटरवे फोर आ जाता है जो यहाँ से कहाँ से चालू होता है, गोदावरी से कृष्णा एंड कैनाल्स तक जाता है, यहाँ पर पुडुचेरी तक ये आता है ठीक है। अब ये नेशनल वाटरवे फाइव की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आता है, ये चालू होता है, ये है गोनेखाऊ टू तलचर ठीक है, तो यहाँ पर तक ये आता है ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ये जो नेशनल वाटरवेज है ना ये याद रखने पड़ेंगे आपको ठीक है। और ये जो नेशनल वाटरवे सिक्स है ना ये 121 किलोमीटर का, ये अंडर प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं जो इनलैंड वाटरवेज है ना उनको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जो कुछ पानी है जो कैनाल सिस्टम हो गया, रिवर हो गया या फिर बैक वाटर हो गया, वहाँ से जो है ना इरीगेशन के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ताकि जो फार्मर्स हैं उसे इरीगेशन के यूज़ में ले सके अपने खेतों में पानी वगैरह लगाने के लिए। तो वहाँ से क्या होता है कि जब पानी कम होता है ना तो कहीं ना कहीं जो वेज होते हैं यानी जो वेसल्स होते हैं यानी जहाज़ वगैरह जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें तैरने में, उस पर ऊपर फ्लो करने में या फिर जाने में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में असमर्थ रहते हैं ठीक है। अब यहाँ पर जो रिवर बेड होते हैं उनकी वहाँ पर सिल्टिंग भी होती है, यानी जब रिवर्स ऊपर से बहती हुई जाती हैं, जैसे कि मैं अलाहाबाद की अगर बात करूँ तो आपने देखा होगा हल्दिया पोर्ट पर, तो उससे आगे क्या पड़ता है, सुंदरबन डेल्टा पड़ता है ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा पड़ता है, सुंदरबन डेल्टा में काफ़ी ज़्यादा सेल्टिंग होती है ठीक है। अब यहाँ से हिमालयन से जितनी भी रिवर बहती है वो अपने साथ कुछ पैबल्स या फैबल्स जितने भी पत्थर वगैरह रोड़े पत्थर वगैरह जितने भी लाती हैं तो वो कहीं ना कहीं कहाँ पर सेटल होते हैं, यहाँ पर नीचे रिवर के बेड में, यानी नीचे जो रिवर का तल होता है वहाँ पर सारे के सारे शांत हो जाते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि रिवर जो है ना ओवरफ्लो करने लग जाती है, फिर उससे क्या होता है बाढ़ की भी सिचुएशन बन जाती है, और कहीं ना कहीं इससे जो है ना जो रिवर की गहराई है वो कम हो जाती है, जब गहराई कम होगी तो वेसल्स उसमें आसानी से नहीं तैर पाएंगे ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी ठीक है। यहाँ पर सीजनल फ्लक्चुएशन, कभी कभी देखिए जो हमारे यहाँ पर जो ना साउथ में जितने भी रिवर्स हैं, जैसे कि कुछ रिवर हैं ऐसी जो मतलब एक आधी रिवर है जो पेरिनियल है, मगर वहाँ पर आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताई थी एक पेरिनियल रिवर ठीक है, कि साउथ में एक पेरिनियल रिवर है ठीक है, ये काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि साउथ में कौन सी रिवर पेरिनियल है ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सीजनल फ्लक्चुएशन के कारण क्या होता है, जो साउथ में कुछ रिवर्स में पानी नहीं होता ठीक है, वो ऑल द ईयर बहती नहीं है, जैसे कि हमारी जो पेरिनियल रिवर है, जैसे कि हमारी गंगा रिवर होगी, यमुना रिवर होगी, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये पेरिनियल रिवर है। वेयर एज हम साउथ में कुछ रिवर्स को देखते हैं जो थ्रू आउट द ईयर कभी नहीं बहती हैं, तो उनमें जो बारिश होती है ना यानी मानसून का मौसम आता है तो उस समय पर भी पानी आता है, तो उस समय पर वहाँ पर जो है ना आसानी से जो वेसल्स वगैरह हैं ट्रैवल कर सकते हैं। वेयर एज जो समर वाला सीज़न होता है जब पानी सूख जाता है तो वहाँ पर क्या, जब पानी नहीं है तो वाटर भी कहाँ से होगा, तो इसलिए ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं हैम्पर करती हैं। और प्रेजेंस ऑफ ब्रिजेस और वाटरफॉल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से अड़चन पैदा करते हैं ठीक है वाटरवे बनने में ठीक है। एक अनइक्वल कंपटीशन जो रेलवे और रोडवेज के बीच में है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट करता है, क्योंकि देखिए वाटरवे जो है ना बहुत ही सिंपल और आसान पड़ता है और सस्ता भी है ठीक है, इन कंपैरिजन टू दीज टू ठीक है, रेलवेज और रोडवेज ठीक है। वेयर एज रेलवे को बढ़ा रहे हैं, रोडवेज को भी बढ़ा रहे हैं, जब रोडवेज को बढ़ा रहे हो तो रेलवे का क्या काम, जब रेलवे को बढ़ा रहे हो तो रोडवेज का इतना क्या काम ठीक है, मगर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आधे से ज़्यादा रोड तो जो है ना जब रोड बनते हैं ना, हाईवे बनते हैं, तो उसके आसपास की ज़मीन जो है ना खाली रखी जाती है ताकि अगर कभी भी एक्सीडेंट वगैरह हो ना तो वहाँ पर जो है ना जान माल की हानि ना हो ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट और प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उनमें से एक है सागरमाला प्रोजेक्ट, ताकि जो
इनलैंड वाटरवेज हैं या फिर जो ऑलरेडी वाटरवेज हैं उनको एक तरीके से एफिशिएंसी उनकी कैपेसिटी भी इनक्रीज करी जाए और एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाए, क्योंकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है ना वो तकरीबन तकरीबन 7500 किलोमीटर है, जिसमें से 14500 किलोमीटर जो है ना पोटेंशियल है कि वो मतलब नेविगेबल वाटर इंडिया में इतना है कि वो इतना एरिया कवर कर ले 14500 किलोमीटर तक का, ठीक है, थ्रू व्हाट, वाटरवेज के थ्रू, ठीक है। मगर यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है ना इंडिया का, ये अभी भी अंडर यूटिलाइज है। हम कितना कवर कर रहे हैं अगर हम इन्हें सबको काउंट करें तो कितना हो जाएगा, 205 यहाँ पर है, 1078 यहाँ पर है, 588 यहाँ पर है, इसको ही मान लीजिए कि ये पूरा पूरा 700 हो गया, 700 800, ठीक है, और ये 8 × 16 ये 2600 हो गया, और ये 26 और 16 कितने होते हैं, 26 और 16 होते हैं आपके 4200, ठीक है, 42, और ये मान लीजिए 44 और 45 मान लीजिए 4500 किलोमीटर बस। मगर हमारी जो पोटेंशियल है वो कितनी है, हमारी जो पोटेंशियल है तकरीबन तकरीबन 14500 किलोमीटर है, तो कहीं ना कहीं है ना हम पीछे। तो इसीलिए इन चीज़ों को एफिशिएंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ताकि जो एक तरीके से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करा जा सके। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब सामान का आना जाना, उसको जो पूरा मतलब एक तरीके से सामान कहीं पर प्रोड्यूस हुआ उसका कंज्यूमर तक पहुंचने में जितने भी कॉस्ट लगती है ना वो लॉजिस्टिक कॉस्ट कहलाती है, ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और लॉजिस्टिक जो मैन्युफैक्चर मतलब एक तरीके से पोर्ट्स जो होते हैं ना वो सारे के सारे लॉजिस्टिक्स को संभालती हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे गोदाम भी बने होते हैं ताकि जो वेयर हाउस जिन्हें बोलते हैं ताकि वहाँ पर सामान अच्छे से रहे। तो एक तरीके से सारे के सारे जो पूरा का पूरा सिस्टम ही यहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है, और उसमें उसकी जो एफिशिएंसी है कैपेसिटी है बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर सारी चीज़ें एक तरीके से आसानी से ऑपरेट की जा सकें, ठीक है। और बस तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर इनिशिएटिव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो गैप है ना बीच बीच में उनको ब्रिज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ना बहुत आसानी तरीके से बहुत आगे निकल जाए। अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया अपने लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया की पोटेंशियल बहुत है और हम इंडिया की पोटेंशियल को अभी पहचान नहीं पाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सागरमाला के कंपोनेंट्स कुछ इस प्रकार है। सागरमाला एक प्रोजेक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है कि पोर्ट्स जितने भी हैं उनको मॉडर्नाइज़ करा जा रहा है और नई पोर्ट्स को डेवलप करा जा रहा है, लाइक सिंगल वे क्लियरेंस, ठीक है, साथ के साथ चीज़ें क्लियर हो जाए, साथ के साथ कंज्यूमर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, उनको पोर्ट्स पर ही ना पहुंचा पोर्ट्स पर ही नहीं रखे रहना चाहिए, ठीक है। पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है दूसरे रोड्स के साथ, दूसरे कार्गोस के साथ, दूसरे वेयरहाउसेस के साथ, पोर्ट्स को लिंक करा जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, और कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट ताकि वहाँ के जो लोग हैं आसपास रह रहे हैं तो वहाँ की जो पोर्ट्स पर रहते हैं तो वहाँ के लोग जो ना आसानी से इन सारी चीज़ों को समझ जाएँ और आसानी से एक तरीके से एक कम्युनिटी बन जाए, और आसानी से जो जहाज़ यहाँ पर उतर रहा है तो उसको यहाँ जाने में कोई भी दिक्कत ना पड़े। यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक अगर यहाँ पर उसने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट सारे के सारे तुरंत तुरंत वेरीफाई हो जाने चाहिए अगर वो जहाज़ का सामान यहाँ के लिए और वो गलती से यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है, और यहाँ पर भी उतरना था सामान और यहाँ पर भी उतरना तो अलग अलग डॉक्यूमेंट थोड़ा ना दिखाता फिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को एनहेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो सागरमाला प्रोजेक्ट है इसमें ध्यान पर रखी गई हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सागरमाला प्रोजेक्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है देन डू नॉट फॉरगेट टू यू नो आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। सो बेफिक्र होकर क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, आपके पास काफ़ी सारे मीडियम अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।